करो का मुझे आज पता चल रहा है। हो शगन पौगा तो मैं कठे बैठा गया खड़ू सजे हाय। गाइज वेलकम टू माई चैनल। सो दिस इज माई ऑफिशियल रोका व्लॉग और मेरी आवाज ना बहुत अजीब सी हो रही होगी बिकॉज क्या है कि मेरा अभी मैं सो के उठी थी ना के अब रेडी होकर ऑफिस जा रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल रोका मुझे आज पता चल रहा है। ठीक है जो भी है एंड क्या करना है हमें आज शायद मैं आटा मार्केट जाऊंगी। मेरे को दो तीन सामान लेने अपने लिए कुछ करवाना है वो सब आप लोग देख लेना। एंड अलावा ना आई डोंट नो बहुत अजीब सा फेज होता है ये वाला। आई जस्ट वांट टू क्राई ऑल टाइम बिकॉज इट्स अरेंज मैरिज लव मैरिज नहीं है। तो सवाल है कि किसी अननोन के यहाँ जा रहे हैं ठीक है क्या होगा नहीं होगा। अलावा अपने घर क्यों छोड़ना है किसी अहम किसी लड़की के लिए बहुत सारी अजीब अजीब ठीक है अब जो हो रहा है हुए आई डोंट केयर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एंड साथ में चलते हैं हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे साथ में इसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो मार्केट से मेरे को ना थोड़ा बहुत सामान लेना था ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। देन मैं घर पे आ गई एंड घर एकदम क्लीन एंड अच्छा हो गया था। मम्मी नेल पेंट लगा रही हैं तो मेरी वीडियो अच्छी होनी चाहिए। अरे तेरी वीडियो अच्छी होनी चाहिए जी कोई बात है और हम पागल है जे। अरे कब से कब तेने शुरू करवाई तो तू ही अच्छी डरवाना जरूरी तो ही ना मो पता तो भर रही है भाई। टाइम काफी हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं भी रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले मैंने नेल पेंट लगाई अपने पैरों में एंड हाथों में मैंने पहले ही लगा ली थी इसलिए। इसके बाद मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। अभी ना मैंने दिखाया मेरा पूरा घर ना एकदम क्लीन हो गया है। लाइक जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा जो भी फंक्शन होना है यहीं पे होना है हॉल एरिया में। तो ये है डाइनिंग टेबल एंड इधर की साइड आप देख रहे हो ये एकदम बैठक टाइप है और यहाँ मंदिर है। इसके बाद ये है हमारी किचन एंड किचन में आप देखोगे सारा कुछ ऑलमोस्ट काम हो रहा है। खाना भी ऑलमोस्ट हो गया। बर्तन देखो कितने सारे निकाल दिए हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं बहुत सारे। चाय के ग्लासेस आलू गोभी सब्जी दही बाकी और बनना है। कांच के ग्लासेस छोले सो मच फॉर। हाय गाइस सो आज है 12 मार्च 2024 एंड आज हो रहा है मेरा रोका। इसके एक साल बाद या 10-8 महीने बाद सात ईयर टाइम है मतलब गैप है और इट्स नॉट अ गुड फीलिंग लिटरली बताऊं। अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है हो रही है तो यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई फील राइट नाउ बिकॉज वेरी वियर फीलिंग ऐसा लगता है सब कुछ छूट रहा है मतलब इट्स ओह गॉड इट हिट मी अ लॉट एंड अच्छा तो रोना भी आ रहा है। बट दो दिन पहले तक रो ही रही हूँ अभी भी कुछ कंट्रोल है। पता नहीं है टलेगा कि नहीं। पता नहीं है डलेगा कि नहीं बट सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहती थी जस्ट बिकॉज एक ही बार होते हैं ना एक जिंदगी होती है एक बार आदि होते हैं वो भी आपके फैमिली के अकॉर्डिंग होती है। आज है रोग का हमारे यहाँ पे ऐसे सगाई बोलते हैं लगन सगाई बोलते हैं ठीक है। और जहाँ लड़के वाले आते हैं लड़का नहीं आएगा लड़के वाले आएंगे वो फिक्स करके चले जाएंगे। आप मतलब ऐसे बोलते हैं रोका भी बोलते हैं लगन सगाई भी बोलते हैं और जो बिहार साइड होते हैं वो लोग छेका बोलते हैं ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ पे तलक और एक और चीज बोलते हैं पक्की करना टाइप्स बोलते हैं। यस सब कुछ दिखाऊंगी लाइक क्या करा है अभी लुक एट दिस नेल्स कर दिए हैं एंड साड़ी पहन रही हूँ येलो कलर की है और सुंदर साड़ी है ठीक है। आप लोगों ने अगर रील्स देखते हो मेरी इंस्टाग्राम पे हो तो आपने जरूर देखी होगी मेरे को उसमें फैशन वीडियो बनाई थी एंड चलो करते हैं साथ में रेडी होंगे। आज आज भी मेरा पूरा फेस ना एकदम स्वेल हो रहा है।
मैं पहनने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी साड़ी, ग्रीन कलर का इसका ब्लाउज है एंड दिस इज साड़ी बहुत सुंदर है और इसके ना ऐसे बीड्स वगैरह लगे पड़े बहुत सुंदर लगती है एंड येलो कलर ना मेरी जैसे स्किन टोन वाले लड़कियों पे अच्छा लगता है ये वाला। तो यस मैं जब रेडी होती हूँ साथ में रेडी होंगे एंड देखते हैं क्या होता है। सामान में आ रहे हैं जैसे फ्रूट की बास्केट है और भी बहुत सारी चीजें जो लड़के वालों के यहाँ जाने वाली है एंड उनके हमसे जो भी आएगा उसका तो मैं अलग से कर दूंगी या उसी में दिखा दूंगी, देखते हैं जो भी करते हैं। बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं। मेरे ना बाल एकदम स्ट्रेट हो गए, लुक एट दिस। तो अभी मेरे को एक बात बतानी है, जस्ट याद आया मैंने ना अभी एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना रही थी ठीक है, लेकिन वो आया नहीं, वो रोके के लिए था। तो वो मैंने मतलब क्या बताऊँ, तो वो वीडियो ना बाद में ही आएगी आज, इसलिए मेरे को स्किप करके ये मेरी भाभी की साड़ी है ये पहननी पड़ी है क्योंकि मेरा वो आउटफिट आया ही नहीं जो आज के लिए मैंने प्लान करा था। तो यही होता है, हैंड टाइम पे करते हैं तब, तो देखते हैं। एंड वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो अभी तक तो आ गई होगी, तो वो आप लोग देख लेना, वो मैं डालूंगी यहीं आसपास। मैंने एकदम सूट बनवाया था जो बहुत प्यारा सा है, लाइट पिंक कलर का है, वो आप लोग देख लेना। एंड तब तक और काम करते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज चेक आउट माई शॉर्ट फॉर माई रोका मेकअप। सो गाइज मेरा मेकअप हो गया, लुक एट दिस। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। बाकी ना हम जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वो लोग आ गए हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब चल रेडी होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, फिर रो जाऊँगी मैं दोबारा, तो जल्दी से रेडी हो जाता है। सो रेडी ना मेरे को मेरी भाभी ने करा था। एक्चुअली क्या है, मेरे को ना साड़ी पहनना आता है बट वही होता है ना एकदम परफेक्शन से नहीं आता, बोलते हैं ना कि हाँ एकदम परफेक्टली पहन ली है। तो कभी कभी होता है हम लोग ऐसी वीडियोस वगैरह में अगर मैं पहनती भी थी तो ऐवें ही पहनती थी, इतनी अच्छी तरह से नहीं आता। तो मेरी भाभी ने मुझे हेल्प करा एंड मेरा कुछ और प्लान था पहनने का बट साड़ी पहननी पड़ी बिकॉज इसके अलावा मेरे पे कोई ढंग का सूट नहीं था। बाकी ये साड़ी ना काफी सही भी लगती है, थोड़ी गर्लिश वाइब की भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार लगती है, थोड़ी लड़कियों जैसी लगती है एंड इस वजह से मैंने पहन ली क्योंकि एकदम प्लेन साड़ी थी एंड काफी सुंदर साड़ी थी इस वजह से। और बाकी आप ना मेरा रोका व्लॉग वाला जो मैंने आउटफिट बनाया है प्लीज वो भी चेकआउट करना बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा प्रेटी बना है। इससे पहले वो वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लो क्योंकि ये तो मैंने मजबूरी में पहनना पड़ा था साड़ी, वो मेरी स्पेशली मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करके बनाया था कि हाँ भाई मैं वो सह बनाऊंगी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू वेयर दैट आउटफिट इन माई रोका। बट ठीक है अब जो था वो पहन लिया एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मुझे नहीं आ रहे लुक, थोड़ा सा तो नेक, थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है बस वो कुछ। हेलो गाइस, आज मेरी दीदी की गोद भराई है, आज देखो कितनी सुंदर लग रही है ये। आज मैंने इनको तैयार किया है, पीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। आने वाले अभी इनके गोद भराई वाले अभी आए नहीं है, इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। नहीं फूट रहे। अभी का फाइनल लुक कैसा लग रहा है आज तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा। तुम्हें को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। दीदी का कैमरा देखो तो, दीदी का कैमरा में तो यहाँ पे ना मेरे फादर एंड मेरे भाई दोनों ये सामान रेडी कर रहे हैं बिकॉज कुछ देना पड़ता है ना, लाइक थोड़ा बहुत जो भी देना पड़ता है रोका में पक्की करने के लिए वो देने के लिए रेडी कर रहे हैं। बाकी बाहर ना सब लोग आ चुके हैं, लाइक जिससे मेरी शादी होने वाली है उसकी पूरी फैमिली आ चुकी है एंड बहुत अजीब सी फीलिंग है, मैं हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी फैमिली को कि मैं कर देती हूँ चलो कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं है, ऐसा वाला था मेरा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा था ही। तो पता नहीं, बहुत तो बोलते हैं मन नहीं होता है फिर भी कर लो, लेकिन जो इमोशनल प्रेशर होता है उसका क्या करा जाए। बाकी छोड़ो ये सब कुछ रेडी हो गया है देने के लिए एंड बाहर ये देखो यहाँ पे
पे जिससे मेरी शादी होने वाली है उनकी फैमिली एंड मेरी फैमिली है। एंड ये जो कैमरा हैंडल करा है ना मेरे भाई ने करा है, जो छोटा वाला भाई है ना विवेक। आप लोगों ने अगर मेरे इससे पहले वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको पता है। एंड ये जिनसे मेरी शादी हो रही है उनकी मदर है। एंड क्योंकि ये ही इज नॉट देयर दैट्स व्हाई है ना एक वर्चुअल रोका टाइप होगा फ्रॉम बॉय साइड, मतलब हमारी तरफ से हो जाएगा, लड़का नहीं था इसलिए उसको जो भी दिया जाएगा वो एक वीडियो कॉल के थ्रू एंड यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति उनके सामने दिया जाएगा। तो उससे ये हो जाएगा कि हाँ हमने कान्हा जी के सामने आपकी बेटी को अपने अपना लिया है टाइप्स एंड वी गॉट मैरिड आफ्टर दैट। तो ये जो था ये एक तरह से वर्चुअल रोका था लड़के वाली साइड से, क्योंकि वो उसको छुट्टी नहीं मिली, उसको छुट्टी नहीं मिली थी इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो जो भी है मेरी मम्मी कान्हा जी को कर रही है, पूजा कर रही है, मेरी मदर है ग्रीन में एंड जो अदर वाली साइड दूसरी साइड है वो मयंक की मम्मी है जिससे मेरी शादी हो रही है, ठीक है। एंड ये जो पिंक वाली साड़ी है वो तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, वो मेरी भाभी है एंड ये मेरे भैया है। बाकी सब लोग पूरी जो भी होते हैं विधि वो कर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत करके चेंज किया मेरा रूम, पहले ऐसा लगता था मैंने देखो वाइट पे सेल्फी ले ले। सो यहाँ से होती है मेरी एंट्री एंड दिस इज द वन ऑफ द वियर्ड फीलिंग जो मैंने अभी तक फेस करी है। एंड यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली थी एंड मयंक की पूरी फैमिली थी जिससे मेरी शादी हो रही है, मदर फादर उसका भाई एंड जो भी उनके रिलेटिव थे एक दो, तो वो लोग सब लोग आए थे। इसके बाद मयंक की मदर ने मेरा टीका करा था और मेरी भाभी ने और मम्मी ने मतलब सिर पर पल्लू रख दिया, क्योंकि कहते हैं ना टीका करते हुए पल्लू ऐसे रख लेते हैं, तो ऐसे रखा। उसके बाद टीका करा उन्होंने एंड उसके बाद थोड़े बहुत गिफ्ट्स एंड फ्रूट्स वगैरह देते हैं वो दिए थे। बस इतनी सी छोटी सी विधि होती है, ऐसा इतना ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता। और इसमें ना हम लोग के यहाँ पे यही होता है कि बस जो क्लोज फैमिली होती है ना, जो ब्लड वाली जो खुद की फैमिली होती है, बस उतने लोग आते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फंक्शन नहीं होता, घर पे ही होता है। जस्ट मेरी फैमिली में जस्ट मेरी क्लोज फैमिली है, मेरी मम्मी पापा भैया भाभी एंड उनकी फैमिली में उनकी क्लोज फैमिली है। अगर रोका वाला फंक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें सबको बुलाना पड़ेगा, लाइक सबको, फिर चाचा ताऊ और इन सबको बुलाना पड़ता है, फिर ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें सिर्फ क्लोज फैमिली है, बाकी इसके बाद जो अदर फंक्शन आएंगे हल्दी मेहंदी एंड रिंग सेरेमनी वगैरह उनमें सब लोग आएंगे, लाइक तो मेरी फैमिली में भी जिसको हम इन्वाइट करेंगे उस सब आएंगे एंड अदर साइड ऑफ माई फैमिली तो उसमें भी सब आएंगे। तो यहाँ पे मयंक की मदर फ्रूट्स वगैरह दे रही हैं एंड जस्ट इतना ही है। और ये हो गया मेरा भी रोग का एंड इससे बस अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग देखो। और यहाँ पे ये थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं हम और मैं दिखा भी दूँगी थोड़ी सी। ये है हमारे कान्हा जी जो विटनेस बने इस रोके के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। यहाँ मेरे मम्मी पापा आप सबको विदाई देने के लिए जो भी थोड़ा बहुत देते हैं उसके लिए रेडी कर रहे हैं एंड इसके बाद सबको मतलब उनकी फैमिली में जितने भी लोग आए हैं उन सबको देने। कुछ नहीं।
तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और बात, लोग चले गए अब, मैं और मेरी फैमिली बैठी हुई है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सुबह का हम तैयारी कर रहे हैं, अब बज रहे हैं 5:30, तो पूरा दिन इसी में चला गया, तब रेडी होते हैं। एंड आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों को शादी का कंटेंट पसंद है तो ये फर्स्ट रो का है, और इसके बाद शादी की शॉपिंग एंड मतलब सब कुछ। आप धीरे धीरे सारे ब्लॉग्स आएंगे, सो तब तक के लिए बाय।